नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आप लोगों के पास धर्म एवं ज्योतिष से संबंधित विशेष जानकारियों को लेकर उपस्थित होता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन पर किन किन राशियों पर क्या क्या असर होगा। जैसे कि आपसे मैंने अगले एपिसोड में बात की थी मेष राशि पर, तो आज बात करेंगे हम वृष राशि पर। जी हाँ, वृष राशि वाले जातकों पर क्या असर होगा राहु केतु के राशि परिवर्तन से, क्या उनके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है और उसके साथ साथ यदि कुछ समस्या है तो उन समस्याओं का क्या उपचार हो सकता है। इन उपचारों के साथ आपको उनका निदान भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों को, जो व्यवसायिक वर्ग है उनके लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या लिखा। देखिए, व्यवसायिक वर्गों के लिए तो राहु केतु का राशि परिवर्तन नए नए आयामों को लेकर आया है। आपके नए नए आयाम, नए नए काम होंगे, पुराने कई मित्रों से मुलाकात होगी, कई रुके कार्य में वृद्धि होगी, धन का लाभ हो जाएगा। यानी कहें तो वृष राशि वाले जातक जो व्यापारी वर्ग हैं वो लाभ को प्राप्त करेंगे। भाग्य प्रतिशत उनका लगभग 90% साथ देगा। साथ ही साथ वृष राशि वाले जातक यहां तो जो जॉब कर रहे हैं, जहां तक जॉब करने वाले व्यक्तियों का प्रश्न है, तो जॉब करने वाले व्यक्तियों के लिए तो पदोन्नति का है, गृह योग भी है, मतलब तमाम इस समय वृष राशि वाले जातकों के राहु के राशि परिवर्तन से आपके स्थानांतरण के साथ पदोन्नति हो, लाभ होगा, संतति की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि मिलेगी। यानी ये यूं कहें तो वृष राशि वाले जातक जो जॉब में है उनके लिए भी अच्छी न्यूज है। राहु केतु का राशि परिवर्तन उनके लिए लाभ ही सुखद ही होगा। छात्र वर्गों के लिए वृष राशि वाले यदि छात्र वर्ग हैं तो उनके लिए है कि इस समय उनको परिणाम का समय है, इस समय उनको परिणाम मिलेगा उनके विद्या में। जो जिस ओर जाना चाहते हैं उस ओर मार्ग एकाएक उनके लिए मार्ग वहां खुल जाएगा। साथ ही साथ रिजल्ट भी उनके अनुकूल आएगा, इस समय रिजल्ट भी जो आएगा वो राहु केतु की राशि परिवर्तन से आपके अनुकूल आएगा। थोड़ा सा भ्रम की अवस्था, थोड़ा क्या है कि कुछ ये कर ले कुछ वो कर ले, इस पर ना जाए, थोड़ी सी ऐसी बनेगी छात्रों के लिए कि थोड़ा सा मूड चेंज करने की अवस्था आएगी, तो उस समय थोड़ा नियंत्रण करें और अपने से बड़े या शिक्षकों की सलाह से आप कार्य जरूर करेंगे। देखिए, जहां तक प्रश्न है स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य में मैं एक बात बहुत स्पष्ट आ रहा है कि राहु केतु के राशि परिवर्तन से इंफेक्शन का दौर वृष राशि वाले जातकों को रहेगा, खास करके उदर पीड़ा बनी रहेगी। मानसिक तनाव भी हो सकता है परंतु उदर पीड़ा तो 100% रहेगा। इंटरनली भागों में सूजन आने की भी संभावनाएं दिख रही है, तो इसका उपचार क्या होना चाहिए। तो उपचार यह है कि आपको सर्वप्रथम गो अर्क का सेवन करना पड़ेगा। जी हां, राहु केतु के राशि परिवर्तन से वृष राशि वाले जातक गो अर्क का सेवन करें, गाय को भोजन जरूर कराएं, गुड़ और रोटी गाय को अर्पित करें। गो अर्क का तात्पर्य यहां गोमूत्र से है, सुबह 1 कप पानी में 1 चम्मच गोमूत्र डालकर करें। साथ ही साथ आप हल्दी का प्रयोग करेंगे, आप हल्दी केसर युक्त जो टीका है उसको लगाना है और अपने पास में कच्चा हल्दी रखना है। जी हाँ, कच्ची हल्दी का जो गांठ है उसको अपने पास में रखना है और सुबह सुबह आपको लालिमा युक्त सूर्य का दर्शन करना है। जी हाँ, वृष राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है, जो आपको मानसिक तनाव और इंटरनली सूजन देगा, इससे आप निदान चाहते हैं तो गोवर तमाम और जो तमाम मैंने जो बताया उन सबके साथ साथ प्रातःकालीन लालिमा युक्त सूर्य का दर्शन आपके लिए रामबाण के समान है। आप लोग हमसे जुड़े और जुड़कर जाना कि वृष राशि वाले जातकों के लिए
राहु का राशि, राहु केतु का राशि परिवर्तन किस प्रकार से लाभ, किस प्रकार से हानि लेके आता है। शारीरिक रूप से मैंने बताया कि शारीरिक रूप से थोड़ी समस्या होगी जिसका आपको ध्यान रखना है, साथ साथ मैंने उसका उपचार भी बताया। और मैंने जो उपचार बताए हैं वो उपचार प्रयोग करके उनको देखा गया है, और उसको यह देखा गया है कि इन उपचारों को करने से 100% लाभ की प्राप्ति होती है। और इसका प्रमाण है कि आप लोग इतने सब्सक्राइबर, लाखों लाखों की संख्या में हमारे सब्सक्राइबर हैं, इससे प्रमाणित होता है कि आप लोग हमारे जो बताए गए उपचार का 100% लाभ उठाते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती।